हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो 2 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है, यानी कि ट्यूसडे को, और मैं थोड़ा नर्वस फील कर रही हूँ। तो सोचा कि आज आपसे बस ऐसे ही बात कर ली जाए, अपना मन हल्का कर लिया जाए। मतलब मैं बहुत ज़्यादा तो नर्वस फील नहीं कर रही, क्योंकि यार बचपन से तो एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, अब तो आदत हो गई है। लेकिन वो होता है कि मेरा पहला एग्ज़ाम है, तो एक लगता है कि यार थोड़ा नर्वसनेस फील हो रही है मेरे को। क्योंकि बाकी एग्ज़ाम्स में तो क्या होता है कि एक फ़्लो बन जाता है कि हाँ ठीक है एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है उसमें लगता है कि यार पहला एग्ज़ाम है, थोड़ा अच्छे से कर लें, कैसे मतलब कम टाइम में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकें, क्योंकि सारा काम तो लिखने का ही है, इसमें पूरा थ्योरी एग्ज़ाम है। तो इसलिए बस वही थोड़ा सा नर्वसनेस मुझे फ़ील हो रही थी, और ऊपर से डिस्टेंस लर्निंग है तो रेगुलर लेक्चर्स नहीं थे। जो पढ़ा है मैंने खुद ही पढ़ा है। वैसे जिन्हें नहीं पता, मैं एम कॉम कर रही हूँ इग्नू से। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम्स की वजह से ही वीडियोस थोड़ी लेट आ रही हैं, और मैं मतलब पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कम से कम हफ्ते में एक वीडियो तो मैं पब्लिश कर ही दूँ। लेकिन वही है ना, आपको तो पता ही है कि एग्ज़ाम टाइम में सब कितना केयॉस रहता है, तो इसलिए मैं चैनल पर ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ, एंड आई एम रियली रियली सॉरी फॉर दैट। पर जब एक बार मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे तब मैं चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहूँगी। एंड दोस्तों एक बात और बताती हूँ, मेरा एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर आ गया। मतलब जहाँ पर आया है ना, एक तो वो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, और ना वहाँ पर कोई सीधी बस जाती है, ना ही वहाँ पे आसपास कोई मेट्रो है। मतलब इतना मेरा दिमाग ख़राब हुआ है, जब से मेरा कॉल लेटर आया है ना, मेरा मूड बहुत ख़राब हो रखा है। मतलब ऐसा होता है ना कि चलो अगर आसपास कोई एग्ज़ाम सेंटर ना हो और फिर दूर आ जाए तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन पता है मेरे घर से ना मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पर ही इग्नू का एग्ज़ाम सेंटर है, और इवन 4-5 किलोमीटर के अंडर भी 5-6 एग्ज़ाम सेंटर्स, और मेरा इतना दूर आ गया। और सच कहूँ तो सिर्फ दूर से इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मेरे घर से ना 3 बस बदलनी पड़ेंगी वहाँ जाने के लिए, और आसपास कोई मेट्रो भी नहीं है, मेट्रो स्टेशन तो है ही नहीं वहाँ पे, और पूरा इंडस्ट्रियल एरिया। मेरा मूड बहुत ख़राब हो रखा है, लेकिन क्या करूँ, एग्ज़ाम है, जाना तो पड़ेगा ही ना, मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। काश होता। तो चलिए दोस्तों, मैं चली अपने काम पर, यानी कि पढ़ने। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।